हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स, ट्रेडर्स, मेरे यूट्यूब चैनल IBBM इंडिया में आप सबका वेलकम है, स्वागत है। आज एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज एंड ट्रेड मेथोडोलॉजी शेयर कर रहा हूँ जो कि आपको ट्रेड फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। ये स्ट्रेटजीज का कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ये स्ट्रेटजी हमें प्रीमियम्स और ऑप्शंस के प्रीमियम्स और स्ट्राइक प्राइस और समय पर डिपेंड करती है। कई बार इस तरीके की स्ट्रेटजीज बाजार में अवेलेबल होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। थर्सडे और वेडनेसडे के दिन नॉर्मली, मतलब जो आपका वीकली एक्सपायरी का थर्सडे होता है, ऐसी स्ट्रेटजीज बहुत ज्यादा फाइंड आउट की जा सकती हैं। उसके लिए हमें थोड़ी ऑप्शंस की नॉलेज चाहिए। इस स्ट्रेटजीज को कैसे फाइंड आउट करें और कैसे इन स्ट्रेटजीज को ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हम ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पर और समझते हैं इस स्ट्रेटजी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए, अभी इस समय ये मार्केट बिल्कुल लाइव चल रहा है, आप देख सकते हैं। और इस समय अगर आप देखेंगे तो 11:40, 11:40 का समय हो रहा है और आज एक्सपायरी का दिन है, क्योंकि कल ऑफ है तो आज वेडनेसडे के दिन एक्सपायरी है। देखिए, ओवरऑल जैसे हम सभी जानते हैं, आजकल बाजार बुल रन में लगातार बना हुआ है। और अगर हम इस तरीके की स्ट्रेटजीज बाजार में फाइंड आउट कर सकें जिसमें अगर बुल रन आए तो हमें अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिले, और अगर बुल रन ना आए तो हम ट्रेड से 0-0 या कुछ छोटे लॉस के साथ बाहर आ सकें, इस तरीके की स्ट्रेटजीज हमें बनानी होंगी। जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहां पर अगर बुल रन हमें देखने के लिए मिलता है तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिले, और अगर बुल रन नहीं मिलता है या बाजार नीचे जाता है या बाजार खड़ा रहता है तो हम वहां पर अपनी पोजीशंस काइंड ऑफ 0-0 करके बाहर आ सके। उस केस में क्या होगा, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा, और मार्केट अगर वहीं खड़ा रहता है या नीचे चला जाता है तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके की स्ट्रेटजी जब मार्केट बुल रन में हो तो हम बना सकते हैं, और जब मार्केट बियर रन में हो तो हम नीचे की तरफ बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुल रन में चल रहा है तो मैं आपके साथ बुल रन के साथ इस तरीके की स्ट्रेटजीज को शेयर करना चाहूंगा। देखिए, इस समय मार्केट का प्राइस चल रहा है 35,920, 920, 924 का प्राइस है। और यहाँ पर अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करें तो देखिए, मैंने दो कॉल ऑप्शंस लगाए हैं, 35,900 का कॉल ऑप्शन एंड साइमल्टेनियसली 36,000 का कॉल ऑप्शन। सो मेरे पास दो कॉल ऑप्शन है, 35,900 जिसका प्राइस है 110, और दूसरा कॉल ऑप्शन है 36,000 जिसका प्राइस है अप्रोक्स 59। सबसे पहले हमें क्या करना है इस तरीके की स्ट्रेटजीज में, देखिए 36,000 का जो प्राइस है इसको हम डबल क्वांटिटी के साथ बाई करेंगे, तो अप्रोक्स 58, 59 का हमें रेट मिल रहा है और यहाँ पर रेट मिल रहा है अप्रोक्स 110 का। यहाँ 57 मिल रहा है तो यहाँ पर 58 और 110 का अप्रोक्स हम रेट ले सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए 36,000 का कॉल ऑप्शन जिसका रेट मिल रहा है हमें 600। सो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेल फैसिलिटी में ले लेता हूँ जिससे हमें कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिया है इसको, और मेरे पास प्राइजेस अब एक्सेल पर चलने स्टार्ट हो गए हैं, और मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ जिससे हमें व्यू करने में आसानी रहे। So,
अब हम देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के कॉल और पुट ऑप्शंस हमने लगा लिए हैं। अब देखिए जो मेरे पास ये ऑप्शंस है जो कि 36,000 का कॉल ऑप्शन है और 35,900 का कॉल ऑप्शन है, तो हमने क्या किया है, जो 36,000 का कॉल ऑप्शन है जैसा कि मैंने अभी बोला, इसको हमने अप्रोक्स 55 रुपी पर बाई किया और हमने अप्रोक्स जो 35,900 का कॉल ऑप्शन है उसको सेल किया है। जब ये 50 पर हो रहा है तो ये 100 पर हो रहा है, तो मैं 50 और 100 का रेट अप्रोक्स ले रहा हूं और ये मैंने लगा दिया है। अब यहां पर देखिए जो 35,900 का कॉल ऑप्शन है उसको हम सेल करने वाले हैं और जो 36,000 का कॉल ऑप्शन है उसको हम बाई करने वाले हैं, बट डबल क्वांटिटी। मैं आपको एक एक लॉट में पूरी कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, आप ये कैलकुलेशन अपने फंड के हिसाब से ज्यादा लॉट साइज पर भी कर सकते हैं। अब देखिए जो 100 पर हमने सेल किया है ये आप रखेंगे 1 लॉट मतलब 25 क्वांटिटी और ये आप रखेंगे 2 लॉट जो कि हम बाई कर रहे हैं मतलब 50 क्वांटिटी। सो मैंने 2 लॉट बाई किए हैं और 1 लॉट सेल किया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरीके की स्ट्रेटजीज हमें नॉर्मली एक्सपायरी के आसपास बहुत अच्छे से देखने को मिलती हैं और यहाँ पर हम इस तरीके के ट्रेड्स जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया जब मार्केट बुल रन में हो तो बनाई जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर जो 36,000 का कॉल ऑप्शन है उसको मैंने डबल लॉट में बाई किया है मतलब डबल बाई किया है, तो मैंने यहाँ पर 100 रुपये का प्रीमियम पे किया है, या अगर हम डबल लॉट में बात करें तो 50 × 50 ये मैंने प्रीमियम पे किया है 2500 का, तो मैंने इसको माइनस लिख दिया है क्योंकि मैंने इसको पे किया है और यहाँ पर 1 लॉट हमने 100 में सेल किया है तो ये हमने 2500 का प्रीमियम रिसीव किया है। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो मैंने प्रीमियम को 0 कर दिया है, जितना प्रीमियम मैंने पे किया है उतना ही प्रीमियम मैंने रिसीव कर लिया है। अब देखिए अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अब हम डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं और इसको समझते हैं कि हमें किस तरीके से इसमें प्रॉफिट्स देखने के लिए मिलेंगे और जहां पर हम फंसेंगे वहां पर हम किस तरीके से अपने एडजस्टमेंट्स करेंगे कि हम ट्रेड से बहुत अच्छी तरीके से बच सके लॉस से। अब देखिए क्योंकि ये बुल रन है और अगर आज मार्केट, अब हम डिफरेंट केसेज ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केट 35,900 या उससे नीचे कहीं भी चला जाता है तो देखिए ये दोनों ऑप्शंस आपके ओटीएम ऑप्शंस हो जाएंगे 35,900 या उससे नीचे। अभी आप देखिए 35,900 ही अप्रोक्स बाजार खड़ा है, मतलब बाजार अगर 35,900 या उससे नीचे कहीं भी चला जाता है तो ये दोनों ऑप्शंस मुझे 0 देखने के लिए मिलेंगे, तो मैंने जितना प्रीमियम पे किया है उतना ही प्रीमियम रिसीव भी किया है और यहाँ पर मुझे ओवरऑल 0-0 पोजीशन रहेगी। मतलब ऐसी जितने भी पोजीशंस हैं जहां पर मार्केट 35,900 से नीचे बंद होता है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि अगर मार्केट में बुल रन नहीं आता है तो हम किस तरीके से इससे 0-0 बाहर हो जाएंगे। अभी आगे चलते हैं, कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हैं जहां पर हम फंसेंगे और वहां पर हमें कैसे एडजस्टमेंट करना है उसको हम सीखेंगे। अब मान लीजिए बाजार आ जाता है 36,000। देखिए बाजार अगर 36,000 आ जाता है तो जो 35,900 का कॉल ऑप्शन है, मैं इसमें एसटीटी को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, जो इंदा मनी ऑप्शंस हैं वो थोड़ा एसटीटी को डिस्काउंट करते हैं लेकिन मैं अभी कैलकुलेशन में एसटीटी को डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो अगर 36,000 आ जाता है तो जो ये जो प्रीमियम मैंने बाई किया है जो 50 रुपी पर बाई किया है ये पूरा दोनों साइड 0 हो जाएंगी, तो यहाँ पर मुझे 100 पॉइंट्स का लॉस देखने के लिए मिलेगा 36,000 में, ये दोनों कॉलेज 0 हो जाएंगी जो मैंने डबल बाई किया है, और जो 35,900 100 रुपए में सेल किया ये 100 रुपए पर ही कवर हो जाएगी, तो यहाँ मैं 0-0 निकल जाऊंगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे 2500 रुपए का लॉस होगा क्योंकि जो मैंने बाई किया है, बाई का प्रीमियम किया है वो पूरा खत्म हो जाएगा, ये मेरा 36,000 पर मुझे लॉस देखने के लिए मिलेगा।
अब चलते हैं 36,100। देखिए 36,100 अगर बाजार आ जाता है तो ये 100 रुपये की हो जाएगी, तो 100 रुपये की हो जाएगी जो कि मैंने 50 पर बाई की है, तो यहाँ पर मुझे 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा और दो बार होगा क्योंकि मैंने दो लॉट लिए हुए हैं, तो यहाँ पर 50 प्लस 50 मुझे दो बार ये प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा डीप करके दिखा रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑप्शंस की अच्छी खासी बाजार में समझ है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो हमने 50 रुपीज दो बार रिसीव किए हैं और जो 35,900 का कॉल ऑप्शन है ये 200 रुपये का हो जाएगा जो हमने 100 में सेल किया, तो यहाँ पर हमें 100 का लॉस लगेगा और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर 0-0 निकल जाएंगे। सो 36,100 पर हमारी पोजीशन बनती है 0-0। अब चलते हैं 36,200 पर। देखिए अगर मार्केट 36,200 आ जाता है तो जो 36,000 का कॉल ऑप्शन है 200 रुपये का हो जाएगा, मतलब जो हमने 50 रुपये पर प्रोडक्ट बाई किया है ये 200 रुपये का हो जाएगा, मतलब हमें 150 पॉइंट्स दो बार मिलेंगे क्योंकि हमने डबल लॉट किया हुआ है। और साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे तो जो नीचे वाला कॉल ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा 300 रुपये का, यहाँ पर हमें 200 रुपये का लॉस लगेगा और ओवरऑल यहाँ पर हमें 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट, मतलब 2,500 रुपये का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अगर यही पोजीशन 36,300 आ जाती है, देखिए 36,300 अगर ये पोजीशन आ जाती है तो जो ये वाला प्राइस है 36,000 का जो कॉल ऑप्शन है ये 300 रुपये का हो जाएगा, मतलब यहां पर हमें 250 पॉइंट्स दो बार रिसीव होंगे और जो ये वाला है ये 400 का हो जाएगा, मतलब यहाँ हमें 300 का लॉस लगेगा और ओवरऑल आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट, मतलब 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा अगर हम लोग एक लॉट पर काम कर रहे हैं। मैं ये कैलकुलेशन सिंगल लॉट पर आपको करके दिखा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएगा, क्योंकि ये बुल रन के साथ ट्रेड बनाया गया है, तो हमें प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा और बहुत ही ड्रास्टिक प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। अब देखिए अगर बाजार 36,400 आ जाता है तो ये वाली कॉल 350 की हो जाएगी, 400 की हो जाएगी और मुझे 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि मैं 50 पॉइंट्स ऑलरेडी पे कर चुका हूं। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 350 पॉइंट्स हमें दो बार देखने के लिए मिलेंगे और यहां पर मुझे नीचे 400 पॉइंट्स का लॉस होगा क्योंकि ये कॉल अप्रोक्स 500 रुपये की हो जाएगी। ओवरऑल आप देखिए 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट, मतलब 7,500 का प्रॉफिट होगा। और इस तरीके से जैसे जैसे बाजार ऊपर की तरफ जाता रहेगा मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड की तरफ बढ़ता रहेगा। जैसे अगर मार्केट 36,500 आ जाता है तो ये कॉल ऑप्शन हो जाएगा 450 रुपीज का, तो यहाँ पर 450 हमें दो बार मिलेंगे प्रॉफिट में और 35,900 में हमें 500 पॉइंट्स का लॉस लगेगा और यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा 400 पॉइंट का, दैट कम्स आउट टू बी 10,000। अब आप देखिए किस तरीके से एक लॉट पर हमें लगातार प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है और एक सिचुएशन ऐसी है जहां मुझे मैक्सिमम लॉस जनरेट होता है वो होता है 36,000 पर, मतलब अगर मार्केट 36,000 बंद होता है तो हमें इसमें 2,500 रुपये का लॉस देखने के लिए मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि मार्केट अगर बुल हो जाता है, जो कि बुल रन में बाजार चल रहा है, तो मुझे पैसे आएंगे, बियर हो जाता है तो मैं 0-0 निकल जाऊंगा। अब सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी बचती है जहां पर हम फंसते हैं, वो है 36,000, मतलब अगर बाजार 36,000 आ जाता है तो हम फंस जाएंगे। उसके लिए देखे मैंने क्या किया है, 36,000 की मैंने यहां पर एक बटरफ्लाई लगाई है जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें मैं 36,000 के पुट ऑप्शन को सेल करूंगा और 35,900 के पुट ऑप्शन को और 36,100 के पुट ऑप्शन को बाई करूंगा। मैं ये आशा करता हूं कि आप सब बटरफ्लाई रेशियोस और ये सारे कंसेप्ट समझते हैं अगर आपको इस वीडियो को डिटेल में समझना है।
अब देखिए जो मैंने ये बटरफ्लाई रेस की है, ये बटरफ्लाई अगर आप देखेंगे तो 260 पॉइंट्स। बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है, बटरफ्लाई में हम लोग जो 36,000 की बटरफ्लाई बना रहा हूँ तो इसको डबल से सेल करूंगा और साइमल्टेनियसली 35,900 एंड 36,100 के पुट को एक एक लॉट को बाई करूंगा। मैं ये बटरफ्लाई पुट से बना रहा हूं। अब देखिए इस केस में क्या होगा, मैं 260 पॉइंट्स यहां से रिसीव करूंगा अप्रोक्स डबल में, और अप्रोक्स 268 पॉइंट्स का मैं पे करूंगा, तो अप्रोक्स 8 पॉइंट्स के डेबिट से मुझे बटरफ्लाई बनाने के लिए मिल रही है। 8 पॉइंट के डेबिट का मतलब यह है कि अगर मार्केट 36,000 से दूर कहीं भी बंद होता है तो ये मेरे को केवल 8,000 का 8 पॉइंट का लॉस देगी, ओनली 8 पॉइंट्स। अब देखिए जो मैंने बटरफ्लाई अब मैं बनाऊंगा 36,000 का, तो अब हम चलते हैं जरा बटरफ्लाई पर, 36,000 के बटरफ्लाई पर हम लोग चलते हैं और इसको समझते हैं। देखिए 36,000 का बटरफ्लाई में मैं इस पुट के डबल लॉट सेल करूंगा और मैं 35,900 और 36,100 को बाई करूंगा। तो अगर मैं इसके डबल लॉट सेल करता हूं तो 36,000 का जो पुट ऑप्शन है, जिस तरह हम बटरफ्लाई बनाते हैं 36,000 के पुट को सेल करेंगे, 36,100 पुट ऑप्शन आई विल बाई एंड साइमल्टेनियसली 35,900 पुट ऑप्शन आई विल बाई एंड लेट्स सी द रेट्स। रेट्स आर 52,178 एंड 103, दीज आर द रेट्स। सो ये बटरफ्लाई मेरी बन रही है। और बटरफ्लाई बनाने का क्या तरीका होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप डबल 36,000 को सेल करेंगे तो यहाँ पर मैं डबल लॉट सेल करूंगा, सो आई विल सेट -50 +25 एंड +25। ये मैंने इसके साथ ही एक बटरफ्लाई बना दी है। अब देखिए अगर मार्केट यहां बंद होता है जो हम लोग देख रहे हैं 36,000, अब देखिए ये 5 लाख ट्रेड है जिसमें हमने एक 36,000 की बटरफ्लाई बनाई हुई है और साइमल्टेनियसली हमने एक रेशियो बनाया हुआ है। अगर मार्केट बुल होता है बहुत अच्छे पैसे आएंगे, बियर होता है मैं 0-0 निकल रहा हूं, केवल एक पोजीशन है जहां पर हम फंस रहे हैं वो है 36,000। अब देखिए अगर मार्केट 36,000 आ जाता है तो क्या होगा, अगर 36,000 मार्केट आ जाता है तो हमने ये जो 3 लेग एडिशनल खड़ी की हैं, 5 लेग्स खड़ी की हैं, मेरे प्रॉफिट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ कहीं भी आ जाता है तो ये देखिए मैंने ये 206 पॉइंट का क्रेडिट लिया है बटरफ्लाई में, क्योंकि डबल लॉट सेल किए हैं, 52 पॉइंट्स पे किए हैं और 177 पॉइंट्स पे किए हैं। सो ये बटरफ्लाई अगर आप देखेंगे तो मैंने डेबिट से बनाई है अप्रोक्स 23 पॉइंट्स। सो अगर आप देखते हैं तो इस बटरफ्लाई में जो मेरा मैक्सिमम लॉस जा रहा है वो अप्रोक्स 23 पॉइंट्स जा रहा है। इसमें ब्रोकरेज का भी कोई खर्चा हमें देखने के लिए बहुत कम मिलेगा, क्योंकि हम इस पूरी ट्रेड को 3:30 बजे तक छोड़ सकते हैं, स्क्रीन टाइम इस ट्रेड में 0 है, हमें इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं है, 3:30 बजे जहां भी बाजार होगा पूरा सेटलमेंट खुद लग जाएगा। अब देखिए अगर बाजार 36,000 आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये जो पुट ऑप्शन हमने सेल किया है 103 पर, ये पॉइंट्स मुझे डबल से मिलेंगे क्योंकि मैंने 2 लॉट सेल किए हैं, तो ये 206 पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। और अगर 36,000 बाजार आ जाता है तो ये 52 पॉइंट्स का हमें पूरा लॉस मिलेगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और जो 36,100 की पुट ऑप्शन है इसमें हमें 77 पॉइंट्स का लॉस मिलेगा। सो यहां पर आप देखिएगा हमें एक प्रॉफिट मिलेगा अप्रोक्स 77-80 पॉइंट्स का। So, इस जगह अगर आप देखेंगे तो हम अपने लॉस को 77 पॉइंट्स हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा एंड दैट कम्स आउट टू बी अप्रोक्स, अगर 80 पॉइंट्स माने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, सो दैट कम्स आउट टू बी 2,000 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाजार 36,000 आ जाता है जो कि मेरा मैक्सिमम लॉस 2,500 था, वो अब रह जाता है केवल 500 रुपीज, ओनली 500।
केवल 500 रुपए का मेरा लॉस है, और अगर बुल रन आता है तो जो बटरफ्लाई का मैक्सिमम लॉस है वो केवल अप्रोक्स 20-23 पॉइंट्स है। मतलब अगर बुल रन आता है तो यहाँ पर मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ये मेरा बुल रन पूरा लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैक्सिमम बटरफ्लाई हर ट्रेड में केवल 500 पॉइंट्स का ही लॉस देगी और मुझे पूरा बुल रन मिलेगा, क्योंकि बटरफ्लाई का जो मैक्सिमम लॉस है वो 500 पॉइंट्स है। तो इस ट्रेड में हमने देखा कि अब अगर बाजार यहीं खड़ा रहता है या नीचे चला जाता है तो मैं मैक्सिमम 400-500 रुपए के लॉस पर बाहर हो जाऊंगा, दैट इज द मैक्सिमम। स्क्रीन टाइम हमारा 0 है। और अगर बाजार में बुल रन देखने के लिए मिलता है जो कि हमारी बैठ है ट्रेड में, उस केस में हम मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड की साइड खड़े हैं, जहां पर ये प्रॉफिट 2500, 5000, 7500, 10000 एंड सो ऑन कितना भी हो सकता है। अब इसी कंसेप्ट को हम स्टार्टिंग में भी बना सकते हैं, उसके लिए हमें ऑप्शंस के प्रीमियम्स को और इस तरीके की कैलकुलेशंस को करके देखना होगा। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या इसका कोई फिक्स रूल है जो हम इस तरीके के ट्रेड्स बना सकते हैं। आंसर इज नो। इसका रूल यह है कि आपको ऑप्शंस की समझ होनी चाहिए और ऑप्शंस के साथ खेलना आना चाहिए। ऑप्शंस के साथ किस तरह प्ले करें, इसके लिए आपको ऑप्शंस का पूरा ग्रीक्स, ऑप्शंस के सारे कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। अगर यही कंसेप्ट जब बाजार बियर मोड में हो तो हम नीचे की तरफ भी बना सकते हैं। ऐसा कंसेप्ट लगातार बनाते रहिए आप। अगर बुल रन है कभी तो बुल रन आएगा, और बुल रन नहीं आएगा तब भी मेरे को कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो रहा है। मैं ऑलमोस्ट 0-0 या कोई 200-300 रुपए के लॉस के लिए बैठा हूँ, लेकिन प्रॉफिट की साइड आप एक लॉट पे देख सकते हैं कितनी है। और बैंक निफ्टी में जब बुल रन आता है तो 1000-2000 पॉइंट का बुल रन बहुत छोटी बात है। इसको आप वीक के स्टार्ट में भी बना सकते हैं। इस तरीके के ट्रेड्स अगर आप हर वीक बना रहे हैं तो कभी ना कभी तो बुल रन मिलेगा, और जब भी बुल रन मिलेगा हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। ये है 5 लैग स्ट्रेटजी। यहाँ पर हमने 5 लैक्स का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 लैक्स, 5 लैक्स इन दिस स्ट्रेटजी वी आर टेकिंग। सो फ्रेंड्स, आप इस तरीके के कंसेप्ट लगातार बाजार में ढूंढिए और ऑप्शंस को हमेशा रिस्क फ्री ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शंस ही एक ऐसी स्ट्रेंथ है और ताकत है जो आपकी ट्रेड्स को बहुत अच्छे से हैच करके आपको कंसिस्टेंट मनी जनरेट करने की पावर देते हैं। इस वीडियो को लेकर के आपका कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। आने वाले समय में आपको इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ट्रेडिंग कम्युनिटीज में शेयर कीजिए, जिससे लोग ऑप्शंस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट अनुज गौड़। थैंक यू।